गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं सर केशव शर्मा फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी होगी। जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन शुरू नहीं की है वो जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ जाएँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास फिफ्थ के लिए चैप्टर नंबर 2 मेहनत की कमाई, जो कि पेज नंबर 91 पे है, उसके बारे में आपको कुछ बताई थी। तो उसके एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, दोबारा से शुरू कर देता हूँ कि जो इसमें एक अमीर बाप होता है वह अपने बेटे को कुछ कमा के लाने के लिए बोलता है, क्योंकि बेटा बहुत आलसी होता है तो उसे कुछ कमा के लाने के लिए बोलता है। तो जो बेटा होता है वह मतलब आलसी और कामचोर होता है, वह काम करने से अपना जी चुराता है, ठीक है। तो वह मतलब पिताजी के द्वारा काम की कहे जाने पर वह रोता बिलखता हुआ अपनी माता के पास जाता है, माता से रुपये लेके आता है और अपने पिताजी को देता है। तो पिताजी बोलते हैं कि इसे कुएं में फेंकाओ। अब ये बिना मेहनत का कमाया हुआ रुपये था तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई। इसी प्रकार अगले दिन दोबारा से यही अपने पिताजी उसके पिताजी ने बोला कि तुम जल्दी से मतलब आज कुछ कमा के लेके आओ, नहीं तो तुम्हें शाम का भोजन नहीं मिलेगा। तो लड़का रोता बिलखता हुआ अपनी बहन के पास पहुंच गया। तो बहन ने भी उसका रोना देखा नहीं गया और उसे कुछ रुपए निकाल के उसको दे दिए, ठीक है। तो फिर शाम को उसके पिताजी ने पूछा कि तुम आज क्या कमा के लेके आओ। तो उसने जो रुपया अपनी बहन से लेके आया था उसको उसने उसके पिताजी के सामने रख दिया। तो पिताजी ने फिर दोबारा बोला कि तुम इसे जाके कुएं में फेंकाओ। तो उससे आगे बढ़ते और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 92, सभी बच्चे अपने बुक उठाए, पेज नंबर 92 खोल ले, शुरू करते हैं। अनुभवी पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। तो जो पिता था मतलब जो बाप था उसने अपनी पत्नी और बेटी को घर से मतलब बाहर भेज दिया कुछ काम से एक दो दिन के लिए। पिता ने अपने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। तो पिताजी ने अपने बेटे से पुनः इसी बात को कहा, जा कुछ कमा कर लेके आ, नहीं तो तुम्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। तो बेटा पूरे दिन सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। बेवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। तो वह पूरे दिन तो सुस्त बैठा रहा, जब तो सुस्त बैठा रहा उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे, मतलब रोने लग गया। तो कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। सुध का अर्थ होता याद करना, तो कोई उसको याद करने वाला नहीं था। वह बेवश होकर मतलब बेवश का मतलब मजबूर होकर संध्या का होता है शाम, वह बेवश होकर शाम के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने के लिए चला गया। तो शाम को वह बाजार में मजदूरी के लिए चला गया। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। 4 आने का अर्थ होता है 25 पैसे, ठीक है। तो एक सेठ मिला उसको बाजार के अंदर, उसने कहा कि यह मेरा संदूक का अर्थ होता है बक्सा, तो यह मेरा बक्सा है, इसे तुम घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर, ये पहले तो कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे सुस्त का अर्थ होता है उदास, सुध का होता है याद, विवश का होता है मजबूर, संध्या का अर्थ होता है शाम, 4 आने का अर्थ होता है 25 पैसे। ये आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है। उसके बाद में आपको एक कुछ प्रश्नोत्तर है, जैसे देखो अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा। तो अनुभवी पिता ने अपने लड़के से कहा, जा कुछ कमा कर लेकर आ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, विवश होकर लड़के ने क्या किया। तो विवश होकर लड़का उठा, मतलब पूरे दिन भर सुस्त बैठा रहा और विवश होकर संध्या के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने के लिए चला गया, ठीक है, मजदूरी खोजने चला गया या मजदूरी खोजने लगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन, सेठ ने लड़के को क्या काम बताया। तो सेठ ने लड़के को क्या काम बताया। तो सेठ ने लड़के को काम बताया कि यह मेरा संदूक है, इसे उठाकर तुम्हें घर पहुंचाना है, मतलब घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा, ठीक है। आँखों में आंसू बहना मुहावरे का अर्थ होता है। आँखों में आंसू बहना का मतलब बहुत दुखी होना, इस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ नंबर 4 शुरू करते हैं। तो ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं आपके, इनको आपकी बुक के नोटबुक में करना है, ठीक है। अगला पैराग्राफ है, अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया, वह थककर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन पर
गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। तो अमीर बाप का जो बेटा था वह बड़ा कामचोर था, आपको सभी को मालूम है। तो उसने जब वो बक्सा सेठ का जो बक्सा उठाया तो उससे मैं बहुत थककर चूर हो गया, ठीक है। उसके हाथ पैर कांपने लगे, मतलब कंपन होने लगा, क्योंकि उसने कभी काम नहीं किया तो हाथ पैरों में कंपन शुरू हो गया। गर्दन और पीठ में भी भयंकर दर्द हो रहा था, क्योंकि काम तो वो करता नहीं था, वह काम से जी चुराता था, इसलिए उसके पीठ में और गर्दन में भी दर्द होने लगा। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया है। तो जब उसके पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तूने क्या कमाया है, तो लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। तो जो लड़का था उसने चार आने जो चवन्नी सेठ ने दी थी ना वो निकाल के दिखाई। तो बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। तो बाप ने, मतलब जो अनुभवी पिता था, उसने दोबारा यही बात बोली कि जिसे कुएं में डाला। तो लड़के को क्रोध आ गया, लड़के को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया आगे देखते हैं, चलो। वह बोला, यह मेरे मेहनत की कमाई है। तो क्या बोला वो लड़का, यह मेरे मेहनत की कमाई है, क्योंकि उसने मेहनत की इसलिए उसको चार आने मिले। अब वो चार आने को वो बोल रहे हैं कि कुएं में फेंका, तो लड़के को गुस्सा आया कि वह बोला, यह मेरे मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं। अब वो मेहनत किया उसने तो उसके गर्दन पैर और कमर में दर्द होने लगा। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। तो लड़का कह रहा है कि भाई मैंने मतलब मेहनत की है और मेहनत करके जो रुपए कमाए और आप कह रहे हो कि इन्हें कुएं में फेंकाऊं, तो ये मैंने मेहनत की है, मेरा हाथ पैर दुखने लगे। तो अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार अपने लड़के के हवाले कर दिया। तो जो अनुभवी पिता था वह सारी बातें समझ गया और अगले दिन से उसने सारा व्यापार अपने लड़के को संभला दिया। तो इससे क्या सीख मिलती है कि मतलब मेहनत करने से आदमी सफल होता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्दार्थ है। अमीर का अर्थ होता है धनवान, संदूक का अर्थ होता है बक्सा, भयंकर का बहुत जोर से, चवन्नी का अर्थ है 25 पैसे, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, हवाले का अर्थ होता है जिम्मे या सुपुर्द करना, ठीक है। अब आइए कुछ प्रश्न उत्तर है, इनको भी देखते हैं। सेठ का संदूक पहुँचाने के बाद घर पहुँचे लड़के की क्या दशा थी। तो जब लड़का सेठ का संदूक घर पहुंचाने गया तो लड़के की दशा ये हुई कि वह थककर चूर हो गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे, पीठ और गर्दन में उसके बहुत जोर से दर्द हो रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिता की किस बात को सुनकर लड़के को क्रोध आ गया। तो उस लड़के को किस बात पे क्रोध आया, तो पिताजी ने कहा कि कुछ कमा कर ले के, जो वो लड़का कमा कर लेके आया है उसे, मतलब पिता ने कहा तुम कुछ कमा कर लाए हो उसे कुएं में डाल दो। तो बात को सुनकर लड़का क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ ये, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी और मेहनत की कमाई को उसके पिताजी कुएं में फेंकना चाहते थे। इससे पहले वह बिना मेहनत के कमा कर लेके आया था, इसलिए वह रोज़ की रोज़ उसे कुएं में डाला था, तो उसे क्रोध नहीं आता था। लेकिन आज उसने मेहनत करके जो 25 पैसे कमाए हैं उन्हें उसे कुएं में फेंकने के लिए बोला, तो वह लड़का क्रोधित हो गया, मतलब गुस्सा आ गया। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या निकलेगा हमारे लास्ट वाले का, तो इसका निकलेगा मेहनत की कमाई, ठीक है। और अगला प्रश्न है चौथा, व्यापार शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाला शब्द होता है, वो समानार्थक शब्द कहलाता है, ठीक है। तो व्यापार शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा, व्यवसाय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये, सॉरी इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये जो प्रश्न उत्तर मैंने समझाए हैं उनको आपको अपनी बुक्स के अंदर होमवर्क में करने हैं, और ये पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको आपको PDF के जरिए आपके पास पहुंच जाएंगे, फिर आपको इनको अपनी बुक के अंदर होमवर्क में करना है, और उसके बाद आपको स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो संबंधित अध्यापक हैं उनके नंबर पे आपको इसको शेयर भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझने में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो आप अपने संबंधित अध्यापक को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।